नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीके मोबाइल केयर और मेरा नाम सीके। तो दोस्तों मेरे पास एक TMB चाइना फ़ोन है, इसका मॉडल A8 है, TMB का मॉडल नंबर A8। तो इस पर दोस्तों चार्जिंग स्टोरिंग का प्रॉब्लम है, तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ और मेरा वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा मैं कैसे इसको ठीक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे लगाऊंगा और इसको चार्जिंग कनेक्टर से इंसर्ट करूंगा चेक करने के लिए कि इस पे वोल्टेज कितना आना चाहिए और ये कितना वोल्टेज दे रहा है और चार्जिंग के लिए कितना वोल्टेज आना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊँगा। देखिए इसमें वोल्टेज कितना आना चाहिए वो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे चार्जिंग का वोल्टेज परफेक्ट आ रहा है, कनेक्टर पे भी वोल्टेज परफेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज आना चाहिए 4 पॉइंट से ऊपर आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि चार्जिंग स्टोरिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर भी परफेक्ट वोल्टेज आ रहा है लेकिन बैटरी कनेक्टर के पास उतना ही वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है रिपेयर करेंगे। तो मैं बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। आप किसी भी पुराने सैमसंग जो 1200 वाई फ़ोन आता है, 1200 वाई कीपैड वाला फ़ोन, तो उससे आप किसी भी फ़ोन से एक डैशबोर्ड निकाल लीजिएगा। डैशबोर्ड निकालने के बाद जो है आपको चार्जिंग के जो प्लस पॉइंट पे दिख रहा है आपको, ये मैंने बैटरी वाला है ये वाला, ध्यान से समझिएगा। आप ये मेथड किसी भी फ़ोन पे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं। ये जो मेथड बताने जा रहा हूँ तो आप ये किसी भी फ़ोन पे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी ये प्लस चार्जिंग का प्लस पॉइंट का जम्पर है, मतलब यहाँ पे ट्रैक है, ठीक है। तो चार्जिंग का प्लस वाला जो सप्लाई है यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक करा दिया आपको कि चार्जिंग का प्लस का सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चार्जिंग का प्लस का सप्लाई यहाँ पे आ रहा है और ये बैटरी कनेक्टर है, तो यहाँ से जो फिल्टर होता है आईसी द्वारा, तो ये वोल्टेज यहाँ पे कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड आप निकालेंगे सैमसंग के बोर्ड से, तो पहले आपको निकालने के पहले मल्टीमीटर को आपको ऐसे यहाँ पे बीप मोड पे लगा देना है और बीप मोड पे लगाने के बाद जो है आपको चेक करना है पहले कि उसका प्लस किस साइड का है और माइनस किस साइड का है, ठीक है। तो आप जब ये चेक कर लेंगे कि प्लस आपका इस साइड है या माइनस इस साइड है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब जब डैशबोर्ड निकालेंगे तो प्लस वाले सिरे को आपको बैटरी कनेक्टर पे लगा देना है, ठीक है। बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट पे आपको डैशबोर्ड वाला जो हिस्सा है वो प्लस वाला, जैसे आपने चेक किया है डैशबोर्ड का पॉइंट जो है, जैसे ये डैशबोर्ड हो गया हमारा, ये डैशबोर्ड आपको दिखा देता हूँ। इस पे दो टांगें होती हैं, ठीक है, थीके? आपको दिख रहा होगा इस पे दो टांगें होती हैं, ठीक है, थीके? एक माइनस का रहेगा एक प्लस का रहेगा। तो आपको निकालने के पहले चेक कर लेना है कि इसका प्लस वाला सेक्शन किस साइड का है, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा कि प्लस वाला इस साइड का है, जैसे हमने चेक किया कि ये प्लस इस साइड है, तो इसका हिस्सा प्लस वाले का आपको ये बैटरी कनेक्टर पे रख देना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ, और जो माइनस वाला सिरा होगा वहाँ पे आपको चार्जिंग के प्लस पॉइंट से टच कर देना है, बस बिल्कुल सिंपल सा है। वीडियो को ध्यान से समझिएगा मैंने जो बताया है दोस्तों। अगर आपने इसको इस ट्रिक को समझ लिया तो कोई भी चार्जिंग का फॉल्ट, चार्जिंग स्टोरिंग का जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों, वो आप किसी फ़ोन का जो है चार्जिंग स्टोरिंग का प्रॉब्लम जो है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने अभी लगा दिया, अभी मैं चार्जर को कनेक्ट करके चेक कर लेता हूँ। अगर हमारा डैशबोर्ड उल्टा होगा तो वो वोल्टेज जो है नहीं निकालेगा, ठीक है।
तो अभी मैंने जैसे कनेक्ट कर दिया तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करके एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है। यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे इसको निकालना चाहिए 400 ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, ये वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो एक बार इसको जो है हम चेंज करके देखेंगे, इसको निकाल के ऐसे सीधा करके और हमको ऐसे एक बार लगा के फिर से चेक कर लेना, ठीक है। और फिर से एक बार मल्टीमीटर से आपको चेक कर लेना है कि इस पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है आगे पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये डायोड जो है ख़राब है, ठीक है। वोल्टेज इसका आगे का आना चाहिए। अभी मैं दूसरा डायोड एक बार लगा के ट्राई करता हूँ। डायोड भी ख़राब निकल जाते हैं दोस्तों, तो दूसरा निकाल के देख लीजिएगा। लेकिन आपको जो सैमसंग के बोर्ड से डायोड निकलेंगे वो आपका जो है सही वर्क करेगा, क्योंकि वो डायोड बहुत कम ख़राब होते हैं। दोस्तों इसमें भी नहीं आ रहा है, एक बार इसको फिर से मैं चेंज करके देखूँगा। ये दोस्तों वीडियो मैं लाइव बना रहा हूँ ताकि ये आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये जिसको पता है दोस्तों तो उसके लिए कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है तो मैं उसके लिए बिल्कुल चिप लेवल का मतलब एक स्टेप बाय स्टेप पूरा बताना चाहता हूँ ताकि उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो ये भी मेरा वो डायोड ख़राब है, ये मेरे ख़राब डायोड थे, मैं चेक कर रहा था, मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक डायोड और पड़ा है, इसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद ये वर्क कर जाए। वीडियो बड़ा होता चला जा रहा है, दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, अगर मेरी वीडियो में समझ में आ रहा है और आप लोगों का काम हो रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बना के लाता रहूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस पर वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, इसको 4 पॉइंट से ऊपर ही आना चाहिए। तो अभी ये जो है 4 पॉइंट आना चाहिए, लेकिन इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है। तो अभी आपको कस्टमर को क्या बोलना है कि इसको जब चार्जिंग पे लगाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे से एक घंटे पे ये बैटरी फुल कर देगा, ठीक है। तो कस्टमर से ऐसा बोल के देने का है कि इसको जो है भैया चार्जिंग पे लगाइएगा, लेकिन एक घंटे के पहले पहले ही आपको चार्जिंग से बाहर भी निकालना, नहीं तो बैटरी को फुला देगा या बैटरी ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो इतना कह के आपको कस्टमर को देना है, नहीं वो गलती करेगा तो फिर इसके बाद लेकर आएगा आपके पास परेशान करने के लिए। तो ये बात ज़रूर उसको बता के मोबाइल दे ताकि उसको समझ में आ जाए और वो गलती ना करे। देखिए मैंने ये कनेक्ट कर दिया तो ये फ़ोन पे चार्जिंग ऑटोमेटिक उठाने लगा। अब मैं जो है दोस्तों इसका जो है बैटरी कनेक्टर पे आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि इसका वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद जो है वोल्टेज देखिए इसमें 4.37 आ रहा है। तो इसका मतलब ये चार्जिंग बिल्कुल परफेक्ट है, बस आपको कस्टमर को जो है एक घंटे के पहले निकालने के लिए बोल देना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर, और हमारी इसी तरह सपोर्ट पर बने रहिए। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है।